हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं शुरू कर रहा हूँ द हिंदू बूस्टर नाम से एक सीरीज़। और इस सीरीज़ का एक वीडियो क्लास हिंदी में और एक वीडियो क्लास इंग्लिश में डेली बेसिस पर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। इसको आप डेली देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, किन किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा, ये मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी स्टूडेंट CBSE स्कूल या NCERT सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये पूरी सीरीज़ देखिए, इस एक वीडियो क्लास के थ्रू आप ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी अपनी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके थ्रू आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है वो बहुत इम्प्रूव होगा, वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट है वो बहुत इम्प्रूव होगा, ग्रामर सेक्शन भी मैं इसमें कवर करूंगा, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें आपके कवर होंगे, स्पॉटिंग एरर भी इसमें मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप देखेंगे पूरे वीडियो क्लास को। रीडिंग स्किल इसके थ्रू बहुत आपकी स्ट्रांग होंगी, करेंट अफेयर्स इसके थ्रू आपके कवर होंगे, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जो जो SSC में आता है, बैंकिंग में आता है। तो ये सारे पोर्शन इसके इसके थ्रू, इस वीडियो क्लास के थ्रू आपके कवर होंगे। तो इस सीरीज़ का नाम है द हिंदू बूस्टर, और डेली बेसिस पर मैं इसके वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप 100 रुपीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सकते हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, और इन सभी के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बैंक PO के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, SSC के लिए, दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे सबसे अच्छी और सबसे सबसे अच्छा जिसमें कंटेंट है वो आप टेस्ट सीरीज़ आप डिस्काउंटेड प्राइस पर आप ले सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से आपको इसमें 6 ई बुक्स, वोकेबलरी की ई बुक्स हैं, 2,500 वर्ड्स की ई बुक्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड आपको की जाती हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है हमारे देश में, रिजर्वेशन का एक इशू है, SC ST एक्ट है। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अभी कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जनरल कास्ट ने प्रोटेस्ट किया था और उससे पहले SC ST लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके थ्रू हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, वर्बल एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी मैं इसमें आपके कवर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे अमेंडमेंट टू SC ST एक्ट। देखिए, SC ST एक्ट क्या है? SC ST एक्ट ये बेसिकली 1989 का एक एक्ट है। तो यहाँ से आपका एक GK का एक क्वेश्चन बन रहा है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये 1989 में ये एक्ट बना था। और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ये प्रोविज़न किया गया है कि जो नीची जाति के, छोटी जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट जिनको हम बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब जिनको हम बोलते हैं, तो उनके खिलाफ़ कोई भी व्यक्ति यदि डिस्क्रिमिनेट करता है, उनके खिलाफ़ कोई अत्याचार करता है या उनको उनको भेदभाव करता है, तो उसको पूरा न्याय मिलेगा। उस व्यक्ति की जिसने उसके साथ भेदभाव किया है या अत्याचार किया, तुरंत उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको जेल में डाला जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ थी ये एक अच्छा लॉ था जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। तो उसके बाद से काफ़ी जो SC ST के जो लोग थे, दबे कुचले थे और बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनके लिए ये एक्ट लाया गया था, तो काफ़ी अच्छा ये एक्ट था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि चूंकि आज़ादी का काफ़ी टाइम हो गया है तो इस एक्ट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, और ये जितना रिजिड था, जितना स्ट्रिक्ट था, उसकी स्टिकनेस को थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो इसी के ऊपर जो शोर शराबा हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था SC ST की तरफ से, वो इसी के ऊपर हुआ था कि इसको एज इट इज रखना चाहिए, इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला था कि इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने और जो करेंट गवर्नमेंट है उसने इसमें इसको मना कर दिया है कि इस तरह के चेंजेस इसमें नहीं किए जा सकते हैं। तो पूरा इशू ये है। अब देखिए, यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे अमेंडमेंट टू SC ST एक्ट। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट करना चाहता है, और गवर्नमेंट ने बोला है, लेजिस्लेचर जो होती है, संसद ने बोला है कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें चेंजेस करना चाहता है। ठीक है, बेंच आस्क गवर्नमेंट टू आंसर चार्जेस ऑफ अपीजमेंट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है
वो एससी एसटी लोगों को अपीज करने की कोशिश में लगी हुई है, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि 2019 में जनरल इलेक्शन होने वाला है। तो ये चार्जेस लगे हुए हैं और बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस ये जो चार्जेज आपके ऊपर लगे हुए हैं इसका आपको 6 बी के अंदर जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारा मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। और 1989 में ये एक्ट आया था, तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम स्पॉटिंग एरर का कुछ पार्ट देखेंगे, इसके इसके जो वोकेबलरी हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, वो सारी वोकेबलरी हम देखेंगे और इसका कॉम्प्रिहेंशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। ठीक है, तो अत्याचार को रोकने के लिए ये एक्ट बना था 1989 में। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट बिल 18 रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द ओरिजिनल एक्ट। एक बिल लाया है, ठीक है, पार्लियामेंट की तरफ से एक बिल लाया गया है, और इस बिल में ये प्रावधान है कि हम जो ओरिजिनल इसका कंटेंट था, जो ओरिजिनल इसकी विचारधारा थी, उसको हम रिस्टोर करेंगे, उसको हम वापस लाएंगे, और इसमें चेंजेज हम नहीं करने देंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट बोल रही है, रिस्टोर द लेजिस्लेटिव इंटेंट, इंटेंट मतलब उनका जो पर्पस था, जो उनका एम था, ठीक है, लेजिस्लेचर का, संसद का जो पर्पस था, उसको हम चेंज नहीं करने देंगे। विच बाद एंटीसिपेटरी बिल टू ए पर्सन अक्यूज ऑफ इंसल्टिंग और हर्टिंग अ दलित। ठीक है, तो इस बिल में क्या है, इस बिल में हमने ये रोक लगाई है, एक ऐसे व्यक्ति पर हमने रोक लगाई है, मतलब शुरू में इसमें प्रावधान ये था कि कोई भी व्यक्ति यदि इंसल्ट करता है दलित की या हर्ट करता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तुरंत गिरफ्तारी ना की जाए, उस व्यक्ति के ऊपर एक ट्रायल चले और 7 दिन का उसको टाइम मिले। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ओरिजिनल जो कंटेंट है, ओरिजिनल इसका जो इंटेंट है, उसको ही हम बरकरार रखेंगे, और इसमें 7 दिन का टाइम उसको नहीं मिलना चाहिए, ये इसका मतलब है। द अमेंडमेंट वर मेंट टू नलीफाई, नलीफाई का अर्थ होता है कैंसिल करना किसी चीज को, किसी चीज को इफेक्ट को कैंसिल कर देना, उसको हम बोलते हैं नलीफाई। तो यहां से हम पढ़ते हैं, द अमेंडमेंट्स वर मेंट टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द मार्च 20 जजमेंट ऑफ द कोर्ट दैट रिमूव द बार ऑन एक्यूज पर्सन सीकिंग एंटीसिपेटरी बिल। ठीक है, जो व्यक्ति एक्यूज है, जिस व्यक्ति ने उसकी इंसल्ट की है, दलित किया, हर्ट किया है उसको, तो उसके ऊपर पहले क्या था कि तुरंत गिरफ्तारी की जाती थी उसकी, लेकिन अब ये जो बार लगा था इसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तुरंत गिरफ्तारी उसकी नहीं की जाए और 7 दिन का उसको टाइम दिया जाए, उसके ऊपर ट्रायल लगे, और ट्रायल होने के बाद फिर डिसीजन लिया जाए कि ये केस सही है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये जो एक्ट है इसका मिसयूज काफ़ी हो रहा है, इसमें एससी एसटी वर्ग के कुछ लोग हैं, या एससी एसटी वर्ग के लोग कह सकते हैं, वो इसको मिसयूज करते हैं, और कुछ जो ऑनेस्ट पर्सन है उसको फंसा देते हैं, किसी चीज़ में फंसाया जाता है एक ऑनेस्ट आदमी को, तो इस तरीके से इस एससी एसटी एक्ट का मिसयूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये इसमें एक तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और कम से कम 7 दिन का उसको टाइम मिलना चाहिए। तो यही इस सेंटेंस का मतलब है, मार्च 20 जजमेंट ऑफ द कोर्ट दैट रिमूव द बार ऑन एक्यूज्ड पर्सन सीकिंग एंटीसिपेटरी बिल बेल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जमानत जो चाहता है, और जो चाहता है कि उसको 7 दिन का टाइम मिले, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है, और गवर्नमेंट चाहती है कि जो ओरिजिनल कंटेंट था इस बिल का, वो ही उसको रिस्टोर किया जाए। द रूलिंग लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड लॉस ऑफ लाइफ्स, यही वो रीजन था, एससी ने ये डिसीजन लिया था कि हम इसमें चेंजेस करेंगे, इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, इसको थोड़ा सा लिबरल हम बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और स्ट्रिक्ट है, तो इसी के ऊपर जो वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट हुआ था एससी एसटी का, वो इसी के ऊपर हुआ था। अब हम यहाँ से देखते हैं, एडमिटिंग द पिटीशन चैलेंजिंग द अमेंडमेंट, अ बेंच लेड बाय जस्टिस ए के सिकरी डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू रिप्लाई टू द एलिगेशंस दैट द अमेंडमेंट वर मेंट टू अपीज द दलित अहेड ऑफ द 2019 जनरल इलेक्शन। मतलब कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप इसमें अमेंडमेंट नहीं करने दे रहे हैं, इसमें चीज नहीं करने दे रहे हैं, और आपने एक नया बिल आप लेके आए हैं एस सी एस टी एक्ट 2018,
2018 में एक बिल लाया गया है, और उसमें इसकी इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको अनचेंज रखा गया है। ठीक है, तो एससी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जताया है, और एससी ने बोला है कि आपके ऊपर जो अपीजमेंट के, जो एससी एसटी कास्ट को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसका फंडामेंटल क्या है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बर्निंग इशू है। इसके ऊपर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव आपको कुछ लिखने को आ सकता है एसएससी में और बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए हैं, जैसे अपीसमेंट एक वर्ड है, ठीक है, एट्रोसिटी एक वर्ड है, और एक वर्ड में और बताता हूँ आपको, एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, अपीसमेंट का अर्थ होता है संतुष्टिकरण, किसी एक वर्ग को संतुष्ट करना। और यहाँ पर एक वर्ड आया क्वैश, क्वैश का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, उस चीज़ को नलीफाई कर देना। ठीक है, तो ये पूरा इशू है, और अब हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। ये हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। क्वैश का अर्थ होता है रीसेंट, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या वापस लाना उसको, ठीक है, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देना। अर्ज का अर्थ होता है रिक्वेस्ट करना। एट्रोसिटीज़ का अर्थ होता है अत्याचार, एट्रोसिटीज़, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एलिगेशंस का अर्थ होता है आरोप लगाना। अपीजमेंट, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, अपीज का अर्थ होता है सेटिस्फाई करना। अहेड ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है बिफोर, किसी चीज़ से पहले। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अहेड ऑफ द 2019 जनरल इलेक्शन, मतलब जनरल इलेक्शन से पहले। वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैला हुआ है, जिसको हम बोलेंगे रैम्पेंट। रिस्टोर्ड का मतलब वापस लाना उस चीज़ को। इंटेंट, ये एक नाउन है, इंटेंट, ठीक है, इंटेंड वर्ब होगी, इंटेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है आपका पर्पस या आपका गोल। बार्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, डिबार या बार। और लेजिस्लेटिव हम बोलते हैं लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी होती है, जैसे संसद है वो लॉ बनाती है, उसको हम बोलते हैं लॉ लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे हमने वर्ड मीनिंग डिस्कस किए, और इस पूरे करंट अफेयर बर्निंग इशू को हमने देखा, और अब हम कुछ ग्रामेटिकल पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो यहां से इसी सेंटेंस, इसी पैराग्राफ में से, इसी आर्टिकल में से मैंने कुछ स्पॉटिंग करके क्वेश्चंस लिए हैं, तो इनको आपको सही करना है और इसका आंसर बताना है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ द ओरिजिनल एक्ट। तो इस सेंटेंस को आप आराम से पढ़ें और इसमें गलती निकालें कि किस पार्ट में गलती है और कहाँ पर गलती है, और यदि आप गलती निकाल देते हैं तो इसका मतलब आपका ग्रेस्पिंग पावर काफ़ी अच्छी है। देखिए, इस पूरे सेंटेंस को यदि आप पढ़ें तो बाकी सब कुछ सही है इसमें, लेकिन यहाँ पर देखिए गलती है इसमें। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेजिस्लेटिव इंटेंट ना बोलते हुए हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव इंटेंट, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो एडजेक्टिव के बगल में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लगाएंगे नाउन, और इंटेंट के स्थान पर यहाँ पर आएगा इंटेंट, इंटेंट। तो इस तरीके से ए पार्ट में इसमें गलती है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए, ये है सेकंड पार्ट, और इसको आप आराम से पढ़ें और इसमें गलती निकालें। एडमिटिंग द पिटीशन चैलेंजिंग द अमेंडमेंट, अ बेंच लेड बाय जस्टिस ए के सिकरी डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू रिप्लाई टू द एलिगेशंस दैट द अमेंडमेंट्स वर मेंट टू अपीज द दलित अहेड द 2019 जनरल इलेक्शन। तो इस पूरे सेंटेंस को आराम से पढ़ें और इसमें गलती निकालें। इसमें गलती कहाँ पर हो सकती है, देखिए प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि अहेड ऑफ का अर्थ होता है बिफोर समथिंग, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे अहेड ऑफ, केवल अहेड नहीं, अहेड ऑफ हम लगाएंगे। और डी पार्ट में इसमें एरर आपकी मानी जाएगी। कुछ और एरर हम देखते हैं, एक इस एरर को आप देखिए और इसके थ्रू आप बताइए कि कहाँ पर इसमें गलती है। द अमेंडमेंट वर मेंट टू नलीफाई द इफ, देखिए इसमें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मैंने दो गलतियाँ रखी हैं, इन दो गलतियों को आपको स्पॉट करना है और फिर मेरे को बताना है कहाँ पर इसमें गलती है। नलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैंसिल करना, यानी इसके बाद नलीफाई वोट, यानी यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, और अफेक्ट क्या है, अफेक्ट एक वर्ब है।
तो नलीफाई द इफेक्ट होगा यहाँ पर, नलीफाई द अफेक्ट ना होते हुए हम बोलेंगे नलीफाई द इफेक्ट, ठीक है। और दूसरी गलती क्या है इसमें, दूसरी गलती देखते हैं, जजमेंट ऑफ द कोर्ट दैट रिमूव द बार ऑन अक्यूज पर्सन। पर्सन तो वो है, लेकिन वो पर्सन कैसा है, पर्सन क्या है, पर्सन एक नाउन है यहाँ पर, तो नाउन को हम किस चीज़ से मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव से, ठीक है। तो एडजेक्टिव, एक वर्ब को एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं, उसमें ईडी लगा के उस वर्ब को हम एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे टायर एक वर्ब है, और अगर मैं बोलूँ टायर्ड, तो वो किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगा और वो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से पर्सन के बगल में एक्यूज पर्सन ना बोलते हुए हम इसको बोलेंगे अक्यूज्ड पर्सन, यहाँ पर हम डी और लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दो गलती हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। और आगे हम देखते हैं एक और सेंटेंस, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू स्टे द रीसेंट अमेंडमेंट फॉर द शेड्यूल कास्ट। इसमें देखिए गलती निकाली है, इसमें एक बहुत ही माइनर इसमें मिस्टेक है, और इसको हम देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू स्टे द रीसेंट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट हम करते हैं किसी चीज में करते हैं, तो इसके लिए हम टू प्रपोजिशन का अपने, रीसेंट अमेंडमेंट टू द शेड्यूल कास्ट, तो यहां पर हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसमें बी पार्ट में इसमें गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस द हिंदू बूस्टर सीरीज के थ्रू आपका स्पॉटिंग का पार्ट, ग्रामर का पार्ट कवर होगा, ठीक है, और आपकी वोकेबलरी कवर होगी। एक बार इन वर्ड्स को हम फिर से देख लेते हैं। क्वेस का अर्थ होता है रीसेंट यानी कैंसिल करना, अर्ज का अर्थ होता है रिक्वेस्ट, एट्रोसिटी यानी अत्याचार, ठीक है, किसी के ऊपर क्रुएलिटी या अत्याचार, एलिगेशंस यानी आरोप, अपीजमेंट यानी संतुष्ट करना किसी व्यक्ति को, अहेड ऑफ मतलब पहले, वाइड स्प्रेड मतलब रैम्पेंट, रिस्टोर्ड का मतलब वापस लाना किसी को, रिस्टोरेशन भी बोलते हैं इसको, इंटेंट का अर्थ होता है पर्पस, बार का अर्थ होता है प्रिवेंट रोकना, और लेजिस्लेटिव का अर्थ होता है लॉ की अथॉरिटीज। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा डिस्कस किया है यहाँ पर। और इसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं द हिंदू बूस्टर सीरीज में, ये आप मुझे बताएं क्या क्या और एडिशनल चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। इसमें एक एक काम और कर सकते हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, एक मेन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को हम जोड़ सकते हैं, और एक मेन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को लेके उस पर डिस्कशन हो सकता है, तो वो भी बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो उसको भी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। और द हिंदू बूस्टर सहित बहुत सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो क्लास यदि रेगुलर बेसिस पर आपकी ज़रूरत है, और इसके थ्रू आप बैंकिंग एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, और इसका जो प्राइस है वो 2 साल से सेम ही है, इसमें इसको मैंने बढ़ाया नहीं है, और GST भी मैंने इसी में जोड़ दिया है ताकि स्टूडेंट को एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़े। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें मैं बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैटिक GK भी कवर करता हूँ, और पूरा इंग्लिश का पोर्शन कवर होता है इसमें, प्री का, मेंस का, GDPI का, डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। मॉक टेस्ट होते हैं इसमें, रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट होते हैं इसमें। इस कोर्स पे यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें वोकेबलरी की ई बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, 2,500 वर्ड्स की। और इसमें मैं एक वीडियो सीरीज़ और शुरू कर रहा हूँ ई क्लासेस में, ग्रामर कॉन्सेप्ट बूस्टर, तो ये भी इसका बेनिफिट भी आपको इस ई कोर्स में मिलेगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, द हिंदू बूस्टर नाम से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, और मुझे लगता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वर्बल एबिलिटी में, ग्रामर में, और आपका रीडिंग स्किल्स में, प्रोनाउंसिएशंस में, करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे आपकी इम्प्रूव होगी, और इसको फर्दर किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन दें और अपना फीडबैक दें, और इस वीडियो क्लास की क्वालिटी और एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़रूर ज़रूर मुझे बताएं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।